तो एस एस सी सी दो हज़ार बाईस के लिए और सी एच एस एल के लिए भी मैं एम सी क्यू आपको करवा रहा था पी डी एफ बहुत बेस्ट है सारे टी सी एस के पुराने क्वेश्चन हैं थ्योरी है हर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है चाहे बैंक का हो रेलवे का हो सारी थ्योरी मैंने और विद एम सी क्यू दी हुई है टॉपिक वाइज देखिए आगे देखते हैं स्टैक इज़ द डैश स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट तो ये होगा आपका स्टैक इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर लास्ट लेयर वन ऑफ द ओ एस आई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों आपको लेयर्स पता होने चाहिए फिजिकल लेयर पी ओ एस टी स्टैंड फॉर सो इट्स पावर वन सेल्फ टेस्ट थर्ड नाइन देखिए डैश डेटा डेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज प्रजेंटेड प्रजेंटेड इन अ मीनिंगफुल वे सो आंसर इज इंफॉर्मेशन इन एक्सेल द साइज आर क्रिएटेड यूजिंग विच ओपिनियन विच ऑप्शंस सो चार्टीज आर्ट से नॉट पेवर्टेबल पाई चार्ट पार्टचार्ट ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है इसको अच्छे से कर लेना इन एक्सल ऑन एन एक्सल शीट द एक्टिव सेल इज़ इंडिकेटेड बाय द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय ए डार्क वाइट बॉर्डर तो एक्सेल में एक्सल शीट में जो एक्टिव सेल है वो इंडिकेट की जाती है डार्क वाइट बॉर्डर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ यू आर एल ऑफ़ ई मेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो ईजी सा भी है डब्ल्यू 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 डॉट ऑफ द यू आर एल ऑफ द ईमेल एप्रोप्रिएट फॉर्मेट सो ये सी आंसर होगा गया डब्ल्यू 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 एट द रेट जी मेल डॉट कॉम या समथिंग ए डिवाइस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड ए रिपीटर वट शोज द कॉन्टेंट ऑफ द एक्टिव सेल इज टास्क पैन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोगल की सो आंसर इज कंट्रोल की तो बेसिकली टोगल की होती क्या है तो यहाँ पे देख लेते हैं हम टोगल की होती क्या है ए टोगल की बेसिकली से इनपुट फॉर्म अदर कीज ऑन द कीबोर्ड बिटवीन टू डिफरेंट इनपुट मोड ठीक है तो टोगल की बेसिकली क्या होता है आपका टोगल करता है बेसिकली सो इट टोगल्स इनपुट फ्रॉम अदर कीज़ ऑन द कीबोर्ड बिटवीन द टू डिफरेंट इनपुट मोड्स ठीक है तो द मोस्ट कॉमन टोगल कीज कैप्सलोक विच टोगल्स दी लेटर कीज बिटवीन लोअर केस एंड अपर केस ठीक है या तो लेटर बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा सो so ये कुछ हैं चार डिफरेंट टोगल कीज़ कैप्स कैप्सलोक हो गया इंसर्ट हो गया स्क्रोल लॉक हो गया और नम लॉक हो गया एम एस एक्सेल ऑफर्स डैश डिफरेंट चार टाइप्स ग्यारह तरह के डिफरेंट चार टाइप्स होते हैं इसमें मतलब जैसे पाई चार्ट हो गया ग्राफ इस तरीके से आपका विच गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट सो नैंड गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट और किससे मिलके बनाता है नोट प्लस गेट से सो इन एंड गेट का कॉम्बिनेशन है डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्कैनर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ प्रिंटेड और हैंड रिटिन डेटा टू अ स्काई ओ सी आर इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्कैनर एंड द स्पेशल सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स द प्रिंटेड और हैंड रिटिन डेटा टू अ स्काई कोर्ट विच डोमेन नेम डज बिलोंग्स टू द मिलिट्री और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इट्स डॉट मी आई एल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये आ, ये जो डोमेन नेम है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के दी हुई है मैंने पी डी एफ में देख लेना विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ द एम एस एक्स एल सो कौन कौन से एम एस एक्स एस की है, वैसे एक्स एस का क्वेश्चन नहीं आता बट फिर भी कर लो क्योंकि ये रिलेटेड है आपका बाकी से बिकॉज डॉट टी एक्स टी डॉट एक्सेल एस या एक्सेल का होता है डॉट डी ओ सी वर्ड का तो इस तरीके से होता है आपका तो डॉट ए सी सी डी बी डॉट एम डी बी तो ये आपका हो गए टॉप फिफ्टी क्वेश्चन आगे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है कैलकुलेटर वेब ब्राउज़र म्यूज़िक प्लेयर चैट रूम इट्स वेब ब्राउज़र डी आई एम एम का विस्तारित रूप क्या है इट्स ड्यूल इन लाइन मेमरी इट्स ड्यूल इन लाइन मेमरी मोड्यूल इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस है वो नहीं है युक्ति नहीं है सो ए एल यू बाकी सभी क्या हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु का इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का टीम बनली द्वारा की दी गई अवधारणा है डब्ल्यू 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 ये आपको पता ही है काफ़ी बार करवा चुका हूँ कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है आंसर परम तो है अनुराग भी है ए एस फोर हंड्रेड यह नहीं है साटा का विस्तारित रूप है सो साटा इज सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप अटैचमेंट कर्सर के बाई और के अक्षर कौन सी कुंजी से कीज मतलब कुंजी मतलब कीज से हटते हैं सो so स्पेस से एम एस एक्सल प्रोग्रामों में प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है सो आंसर इस पिक्सल पिक्सल में मापी जाती है जो बॉक्सेस होते हैं उसकी लेंथ और जो ब्रेथ है वो बेसिकली पिक्सल से मापी जाती है एम एस एक्सल में प्रोग्राम में जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर डैश पेंट ब्रश में बदल जाता है निम्नलिखित निम्न में से आ, किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट में ले जाया जाता है सो इट्स डी एन ई पॉइजनिंग ठीक है निम्न किस प्रकार के साइबर अटैक डी एन एस पॉइजिंग में ठीक है जो वेबसाइट आपको बोला जाता है बट वो नहीं होता कोई और लिंक होता है कंप्यूटर नेक्स्ट देखिएगा कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है एम एस एक्सल से कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कॉम्पोनेंट कौन सा है मेमोरी डिवाइस डॉट मैट्रिक्स और सोलिड फ़ॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं इट्स करैक्टर प्रिंटर सो ये कुछ आपके क्वेश्चन हैं बाकी हम कल करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए पी डी एफ अगर चाहिए तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है सैम्पल कॉपी भी आप देख सकते हैं धन्यवाद